हंस ने जब देखा कि कृष्ण को मारने के लिए उसने बड़े प्रयत्न किए, सब असफल हो गए। अंत में उसने एक बड़ा भारी अखाड़ा बनवाया और उसमें बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया। परिसभा में घोषणा की कि आज कृष्ण बलराम आप सबके सामने इन बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करेंगे। प्रभु अखाड़े में आए, टान और मुस्टिक आदि सभी योद्धाओं से युद्ध किया, सबको मार दिया। अब कंस भयभीत हुआ, काल उसके नजदीक था। तब कंस जोर जोर से चिल्लाया कि अरे चानुर मुस्टिक कहाँ चले गए? कन्हैया बोले, मामा जी वहीं गए जहाँ थोड़ी देर में आप जाने वाले। बस अब आपकी जो पाप आपने किए वो सब खत्म। प्रभु दौड़े दौड़े आए, सिंहासन पर चढ़े, मामा कंस के केश बाल पकड़े। बाल पकड़ के प्रभु ने जोर से झटका लगाया, तुरंत कंस सीढ़ियों से टूटता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा और वहीं प्रभु ने उसका उद्धार किया। आज कंस जैसे पापी को लोगों ने कहा अरे मार दिया मार दिया मार दिया, संतों ने कहा अरे पगलो मार नहीं दिया, इसको तो भगवान ने तार दिया, उद्धार कर दिया। और वहीं पर कंस के छोटे 8 और भाई थे जिनका भी प्रभु ने उद्धार किया। उग्रसेन नाना को कारागृह से मुक्त करा के मथुरा का राजा बनाया, वसुदेव देवकी को मुक्त कराया। फिर प्रभु शिक्षा के लिए उज्जैन गए संदीपनी आश्रम में, 64 कलाओं का विद्या अध्ययन की। शिक्षा तो सिर्फ प्रभु की एक लीला थी, बाकी कलाएं जो कलाओं से भरे हुए हैं, जिनके इशारों पर कलाएं नाचती हैं, उनको कौन कुछ सिखाएगा। लेकिन लीला थी, मनुष्य बने थे तो उस रूप में हर वो कर्म किया प्रभु ने जो एक मनुष्य करता है। अब प्रभु विद्या अध्ययन करके वापस आए मथुरा में। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी एक बड़ी ही विरह की, ब्रज की, ब्रजवासियों की भाव की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु आए वापस तो वो बड़े उदास रहते थे, कोई चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी नहीं। मैया देवकी बड़ी परेशान रहती थी कि कृष्ण को क्या हो गया, ये इतना पहले बड़ा खुश रहता था, बड़ा दुखी है। एक दिन उद्धव जी को कहा कि आप तो कृष्ण के मित्र हो, तो मित्र से जाके पूछो कि उसके दुख का कारण क्या है, वो क्यों परेशान है। उद्धव जी आए भगवान कृष्ण के पास, देखा कक्ष में बैठे बैठे भगवान रो रहे थे। अरे प्रभु आपकी आंखों में आंसू, अरे प्रभु आप ये क्या किस लिए रो रहे हो? क्या आपका किसी ने अपमान कर दिया, या फिर कोई आपको सुख जो आपको चाहिए था वो मिला नहीं, क्या बात है? तब प्रभु रोते रोते बोले, हे उद्धव, न जाने क्यों हमेशा जब मैं ब्रज को छोड़ के आया, जो यशोदा मैया का वो रोता हुआ चेहरा, नंद बाबा जब मुझे मथुरा से छोड़ कर के जा रहे थे उनका वो उदास चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने घूमता है। अरे उद्धव, वो ब्रजवासी जिन्होंने मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया, उन निर्मल मन के ब्रजवासियों को उद्धव मैंने धोखा दिया, कह के आया था कि परसों वापस आ जाऊंगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे उद्धव, तू जानता नहीं, जब प्रातः काल उठ के मैं बंसी बजाता था, गैया मेरे चारों तरफ आके खड़ी हो जाती और जरा सी भी बंसी बंद कर दूं तो गैया मानो आग दिखा के मुझसे कहती, अरे कन्हैया तूने बंसी क्यों बंद की? जब मैं पत्थर पर बैठता तो मुझे लगता पत्थर भी मुस्कुरा रहे हैं। गलती से भी मेरी मैया यशोदा मुझे डांट दे तो पूरी रात मैया सोती नहीं थी, रोती रहती थी कि मैंने आज कृष्ण को डांट दिया। उन ब्रजवासियों को छोड़ के उद्धव मैं यहां आ गया। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे और ज्ञानी होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रभु की भक्ति, अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो सारे पक्ष सारे दर्शन सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए।
प्रभु को पाना है तो ज्ञान मार्ग की सीढ़ी से भी प्रभु को पाया जा सकता है, लेकिन बड़ा लंबा रास्ता है, सीढ़ियों पर चढ़ जाओ लेकिन कब गिर जाओ कुछ नहीं पता। कर्म भी अपने आप में महान है लेकिन उसका रास्ता और भी लंबा है। लेकिन प्रेम वो रास्ता है, प्रेम में सीढ़ियां नहीं है, प्रेम में सीधा छलांग है, या तो तुम्हारी उस तक या उसकी तुम तक, या तो तुम उस तक पहुंच जाओ या फिर तुम उस तक पहुंचो, ये मुक्ति है। लेकिन वो तुम तक पहुंचे ये भक्ति है। सभी ज्ञान मार्ग कर्म सभी महान है लेकिन प्रभु को जो सबसे प्रिय है वो प्रेम है, भक्ति है। उद्धव जी ने कहा कि चलो प्रभु आप इतना कह रहे हो, देखो आपको बड़ी याद आ रही है, तो आप ऐसा करो मैं आपका संदेश ब्रज में पहुंचा देता हूँ। गोपियों हैं ब्रज की, बिचारी ग्वालिने हैं, वो कभी कुछ ज्ञान जानती नहीं, वेद शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं, तो उनको थोड़ा सत्संग सुना दूंगा तो उनको तसल्ली हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, गोपियों को सिखाने चला है उद्धव। कहा उद्धव थोड़ा, गोपियां बिचारी थोड़ी सीधी हैं, उनको सरल भाषा में थोड़ा समझाना। उद्धव जी ने कहा हाँ महाराज आप चिंता मत करो, मैं सब सब ठीक करके आऊंगा। उद्धव जी रथ में बैठे और चल पड़े श्री उद्धव जी ब्रज की ओर। ब्रज की सीमा में श्री उद्धव जी पहुंचे, चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, प्रेम ने तभी से अपना रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ डालेंगे अरे ओ प्रेम दीवाने। सारे ब्रज की सीमा घुसते ही श्री उद्धव जी को प्रेम का जो वातावरण ब्रज में था वो महसूस होने लगा। रथ घुसा ब्रज की सीमा में, सारे ग्वाला गाय चरा रहे थे, जैसे दिखा मथुरा से धूल उड़ रही है, लगता कोई कोई आ रहा है। रथ दिखा, रथ पर मथुरा की राज्य की ध्वजा लगी थी, सारे ग्वाला नाचने लगे, अरे हमारा कन्हैया आ गया, अरे हमारा कन्हैया आ गया, अरे इतने वर्षों तक, अरे वो भी तो हमसे प्रेम करता, हम उसके बगैर नहीं रह सकते, वो भी तो नहीं रह सकता, अरे हमने इतना आनंद लिया उसके साथ, वो कैसे भूल सकता है। वो आ गया, सारे ग्वाला दौड़े दौड़े गए श्री उद्धव जी के रथ के पास पहुंचे, लेकिन जब पर्दा खुला श्री उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, तब सारे ग्वालाओं की आंखों से आंसू बह गए। उद्धव ने कहा कि अरे ग्वालाओं मुझे कृष्ण ने भेजा है संदेश देकर के। सारे ग्वाला रोने लगे, अरे कृष्ण को हमारी याद आई, और आई भी तो खुद नहीं आया, किसी मंत्री को किसी दूत को भिजवा दिया। उद्धव जी पहुंचे मैया यशोदा के घर, मैया बैठी थी कृष्ण की याद में, तकिए को लेके लोरी सुना रही थी। उद्धव जी पहुंच गए, उद्धव जी ने प्रणाम किया, मैया कृष्ण ने मुझे भेजा है। बस इतना सुना कि मैया ने उद्धव को गले से लगा लिया। अच्छा तुझे कृष्ण ने भेजा है, तू मेरे कृष्ण से मिल के आया है, क्या तुझे मालूम है हम तो कृष्ण को दिन भर याद करते हैं, क्या वो भी कभी कभार हमें याद करता है। मुझे मालूम है मथुरा में उसको बड़ा सुख है, बड़े नौकर चाकर हैं, लेकिन कभी कभार तो उसको अपनी इस गरीब मैया की याद कभी तो आती होगी। उद्धव बोले अरे मैया जितना तुम कन्हैया को याद करती हो शायद मैया उससे ज्यादा कन्हैया तुमको याद करता है। जब से मैया ब्रज छोड़ के गया है ना तो माखन खाया ना कभी बंसी बजाई, अरे वो माखन क्या जो मैया यशोदा के हाथ का ना हो, जो ब्रज का ना हो। श्री नंद बाबा से मिले, गोपियों से मिले, और
और फिर तो श्री उद्धव जी महाराज प्रेम के समुद्र में ऐसे डूबे कि अब उस प्रेम समुद्र से निकलने का नाम नहीं था, क्योंकि भक्ति प्रेम चीज ही ऐसी है, इसमें जो प्रवेश कर जाए, आप दुनिया की बाकी नदियों में जाओगे, आपसे कहा जाएगा कि अंदर मत जाओ, ज़्यादा अंदर जाओ तो डूब जाओगे, लेकिन प्रेम रूपी समुद्र ऐसा है जहाँ आपको कहा जाता है कि नहीं, अंदर जाओ और उसमें डूबो, क्योंकि यहाँ तैरने में मज़ा नहीं है, यहाँ तो डूबने में मज़ा है। गुजराती में एक किसी शायर ने भी कहा है, क्षमा करना गलत हो तो, प्रेम समुद्र कैसा है, दुनिया आती है भगवान के सामने आके हाथ जोड़ती है, कहती है प्रभु तार दे, प्रभु तार दे, लेकिन ये भक्त कहता है कसु कहवा ने आव्यो छू कर गरवा ने नथी आव्यो, बीजानी जेम आजीवन अनुसरवा ने नथी आव्यो, हे दया ने सागर तू मने तारा मां समावी ले, हूँ अहिया डूबवा आव्यो छु तरवा ने नथी आव्यो, हे प्रभु मैं तैरने के लिए नहीं आया, मैं आपके चरणों में डूबने के लिए आया हूँ, एक बार अपने इस प्रेम रूपी समुद्र में डुबकी लगाओ। उद्धव जी गोपियों से मिले, गोपियों का भाव तो इतना अद्भुत था, गोपियां कहती हैं हे उद्धव कृष्ण कृष्ण, हमारे मन में कृष्ण ऐसे रम चुके हैं कि कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उदो हमें कृष्ण ही से काम है, हमें दुख इस बात का नहीं है कि कृष्ण हमें छोड़ के चला गया, क्योंकि कृष्ण से मिलने में उतना आनंद नहीं है जितना कृष्ण से दूर रह के उसकी याद में रोने में आनंद है। वो पास नजदीक रहेगा तो सिर्फ उसका दर्शन होगा, वो दूर रहेगा उसकी याद में पूरा विश्व कृष्णमय हो जाएगा, फिर तो हर हर वस्तु में कृष्ण दिखेगा। हमें कृष्ण से कोई गिला कोई शिकवा नहीं है कि हमें छोड़ के क्यों गया, ये क्यों, अरे अच्छा हुआ छोड़ के गया, उसकी याद तो आती है। जब भी उनकी गली से गुजरता हूँ तो आंखें एक दस्तक देती है, दुख इस बात का नहीं कि वो दरवाजा बंद कर लेते हैं, खुशी इस बात की है कि वो आज भी मुझे पहचान लेते हैं, कम से कम उनको याद तो है। हे उद्धव हमने कृष्ण से निष्काम प्रेम किया, ये नहीं कहा कि तुम हमारे पास रहोगे तभी प्रेम करेंगे, तुम हमारी इच्छा पूरी करोगे तभी प्रेम करेंगे, लेकिन उद्धव एक बार कृष्ण से जाके कहना तो जरूर कि आपकी गोपियां आपको कितना याद करती है, और उद्धव जी से हाथ जोड़ करके गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके भुला क्यों दिया हमें अपना।
भी हरे जख्म मेरे दिल के प्रेम जितना आनंद कृष्ण ने दिया वो ऐसी क्या गलती हुई हमसे कि कृष्ण नाराज हो गए, क्या किया? लेकिन राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, अगर हमसे दूर रहने में आपको प्रसन्नता है, आपकी खुशी के लिए हर एक काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, अगर मेरे रोने से आपको मुस्कुराहट आती है, तो हे प्रभु मैं तो पूरा जीवन आपके सामने आपके लिए रोने के लिए तैयार हूँ, बस आप खुश रहो। उद्धव जी को जब ये प्रेम, ये भावना, ये श्रद्धा जब गोपियों में दिखी, उद्धव जी चरणों में लेट गए, वाह गोपियों भक्ति हो तो तुम्हारी जैसी, घोषणा कर दी कि अगर किसी को भक्ति सीखनी है तो गोपियों से सीखो, यथा ब्रज गोपिका नाम। गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, भक्ति की ध्वजा हैं। इतना सुंदर भाव श्रीधर जी ने प्रकट किया, सारी गोपियों को तसल्ली दी और उसके बाद गोपियों से प्रणाम करके उद्धव जी, जिनको समझाने आए थे श्री उद्धव, अपना ज्ञान सब छोड़ दिया, प्रेम से भर करके श्री उद्धव जी वापस मथुरा जाते हैं और मथुरा में प्रभु से कहते, प्रभु आपने बहुत बड़ी गलती की ब्रजवासियों को छोड़ के आ गए, क्योंकि प्रभु ब्रज जैसा प्रेम आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उद्धव गोपी संवाद तो इतना अद्भुत है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। जो एक बार इसमें डूब जाए, जो एक बार इसमें चला जाए, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं जिनको याद में रखते हुए उद्धव गोपी संवाद को यहीं विश्राम करते हुए आगे की कथा की ओर सभी अग्रसर होते हुए
प्रभु ने मथुरा में ही रह करके श्री बलराम जी उनके बड़े भाई का विवाह हुआ रेवती जी के साथ। मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार 18वीं बार आक्रमण करने जा रहा, लेकिन प्रभु ने जाके द्वारिका में सारे मथुरा वासियों को भेजा। इसके पश्चात अब श्री सुखदेव जी महाराज द्वारिका में रह के प्रभु ने अपना सर्वप्रथम विवाह माँ रुक्मिणी जी के साथ किया, उसका श्रवण कराते हैं। आइए सभी कृष्ण विवाह की तरफ अग्रसर होते हुए, जो प्रभु का प्रथम विवाह हुआ माँ रुक्मिणी जी के साथ। भीष्मक राजा की बेटी थी माँ रुक्मिणी। माँ रुक्मिणी जी प्रभु से बड़ा प्रेम करती थी, श्रवण भक्ति थी, प्रभु को कभी देखा नहीं, सिर्फ प्रभु के बारे में सुना था। प्रभु से प्रेम हुआ, लेकिन जब विवाह की बारी आई तो भाई ने विवाह रुक्मी जो उनका भाई था शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। लेकिन जब माँ रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा, पत्र में माँ रुक्मिणी जी बड़ी असमंजस में पड़ती है कि क्या लिखूं, भगवान को किस नाम से पत्र लिखूं, किस नाम से पुकारूं। तब माँ रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर एक पत्र लिखती हैं और वो पत्र जाता है भगवान के पास। आप सभी के बीच में माँ रुक्मिणी जी आएंगे, आप सभी उनका दर्शन करेंगे, सभी बैठे बैठे अपने स्थान पर ही, कोई खड़ा नहीं होगा। क्या माँ रुक्मिणी जी पत्र में लिखते हैं, आइए सभी आप सभी। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु पत्री। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु पत्री। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु पत्री। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुकु कुंकुपत्री रे थारा प्रेम पत्री। सांवरिया थारा जय हो, घन नामी थारा बनवारी थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुंकुपत्री। सांवरिया थारा नाम हजार, कैसे लिखूं कुंकुपत्री। सांवरिया थारा
और ब्राह्मण देवता पत्र को देके आए। प्रभु ने ब्राह्मण देवता को कहा कि माँ रुक्मिणी जी से जाके कहो कि हम अवश्य आएंगे। माँ रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारी हुई, शिशुपाल बरात लेकर के आया, बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी सैनिक खड़े हुए, लेकिन जैसे प्रभु अपना रूप बड़ा सुंदर रूप बना के प्रभु वहाँ आए, सारे द्वारपाल जितने भी थे सब सारे सैनिक प्रभु को खड़े खड़े देखते रह गए। कोई बोला देखो तो सही कितना सुंदर मुकुट, कोई बोला हार देख, कोई बोला पीताम्बर देख, सब देखते रह गए। और श्री ठाकुर जी आए, माँ रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और माँ रुक्मिणी को लेकर के वहां से भाग गए। ले गयो ले गयो ले गयो री रुक्मिणी को भगाए के, 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 ले गयो री ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो को लेकर के वहां से द्वारिका जाते हैं। रास्ते में प्रभु रुक्मी के साथ युद्ध करके उसको पराजित करते हैं। द्वारिका में जाके प्रभु का माँ रुक्मिणी के साथ बड़ा विधिवत भाव से विवाह हुआ। माँ रुक्मिणी और श्री ठाकुर जी के हाथ पे बड़ी सुंदर वरमाला दी गई और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी की माला अर्पण हुई। सबसे पहले देवी रुक्मिणी माँ रुक्मिणी श्री द्वारिकाधीश के गले में माला अर्पण करती हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मिणी के गले में माला अर्पण करते हैं। अरे थोड़ा जोर से बजा दो, प्रभु का विवाह आज बड़ा भाव से प्रभु का विवाह हुआ। आइए अब सभी भाव से श्रद्धा से प्रभु वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु के विवाह में सभी भाव से गाते हुए नाचते हुए आज भगवान का विवाह कैसे हुआ और कैसे सभी को लिया। पहले तो रुक्मिणी विवाह की सभी को बधाइयां, और हमारे साधक लोग आपके बीच आ रहे हैं, तो जो भी आप भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के श्री चरणों में आज उनके विवाह उत्सव में समर्पित करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी भावना है तो हमारे साधक लोग झोली लेकर आपके बीच आ रहे हैं, तो आप उसमें समर्पित कर सकते हैं। आइए पुनः कथा की ओर आइए। अब जिस जिसको कन्हैया के विवाह की खुशी है, तो देखो विवाह में नाचना तो बहुत जरूरी होता है। तो ठाकुर जी का आज विवाह है, आज कन्हैया देखो कितना सुंदर दुल्हा बना है, कितने सुंदर लग रहे हैं श्री ठाकुर जी। तो सभी भाव श्रद्धा से नाचते हुए प्रभु के विवाह उत्सव का आनंद लेते हुए आइए सभी प्रेम और भाव से गाएंगे। La